प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। इस दिवाली धनतेरस दो दिन मनाई जा रही, आप 12 और 13 नवंबर को खरीदारी कर सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन नई चीजों को घर लाने से धन वैभव और सुख समृद्धि में काफी वृद्धि होती है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस धनतेरस आपको अपनी राशिफल के मुताबिक क्या खरीदना चाहिए। मान्यता है कि अपनी राशिफल के मुताबिक खरीदारी करना कितना लाभकारी रहता है। मेष राशि के लोग सोना चांदी की वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, जमीन जायदाद, वाहन की खरीदारी से बचें। वृषभ राशि के लोग चांदी, हीरा, जमीन जायदाद, फिक्स डिपॉजिट, वाहन वगैरह की खरीदारी कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले लोग जमीन जायदाद, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सोना चांदी जैसी धातुओं की खरीदारी कर सकते हैं। कर्क राशि वाले लोग सोना चांदी की वस्तु या आभूषण, शेयर मार्केट में निवेश, जमीन जायदाद की खरीदारी कर सकते हैं। सिंह राशि वाले लोग सोना, तांबा, फिक्स डिपॉजिट, शेयर बाजार आदि में निवेश कर सकते हैं। लकड़ी के फर्नीचर वगैरह खरीदें। कन्या राशि वाले लोग सोना चांदी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जमीन जायदाद वगैरह खरीद सकते हैं। तुला राशि वाले लोग चांदी, फिक्स डिपॉजिट, शेयर बाजार में निवेश करने से बचें। तुला राशि वाले लोग वाहन की खरीदारी भी ना करें। वृश्चिक, सोना चांदी, जमीन जायदाद या किसी भी प्रकार का निवेश करने से बचें। धनु राशि वाले लोग सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, शेयर बाजार, जमीन जायदाद में निवेश कर सकते हैं। मकर राशि वाले लोग चांदी, जमीन जायदाद, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, स्टील के फर्नीचर में निवेश करने से बचें। कुंभ राशि वाले लोग सोना, फिक्स डिपॉजिट और चांदी में निवेश करने से बचें। वाहन की खरीदारी से बचें। मीन राशि वाले लोग हर प्रकार की खरीदारी कर सकते हैं, जमीन जायदाद और शेयर बाजार में निवेश भी कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। झारखंड और बिहार समेत देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।